जिले में बिजली, पानी व भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर में रोषपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद समीर उरांव और बाघमारा के विधायक डुल्लू महतो के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सर्वप्रथम सिसई रोड गुमला स्थित पोलार धर्मशाला के समीप एकजुट हुए। तत्पश्चात झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तावर चौक पालकोट रोड होते हुए नगर परिषद कार्यालय गुमला का घेराव किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बिजली पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं और राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस मामले पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी। हर हाल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। वहीं विधायक ढुल्लू महतो ने भी सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार के अधिकारी अपनी मर्जी से कार्यालय चला रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने नगर परिषद के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े कर कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। जनता की काली कमाई को लूटने का काम कर रहा है। मैं गुमला जिला के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये डीएमएफ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है, यहाँ इस जिला के अंदर के जो हमारे गांव के जो जमीन है वहाँ से जो माइंस मिनरल्स जो उत्पादन होता है उसका रॉयल्टी यहाँ पर आने का काम किया जा रहा है। उस पर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जगह जगह पर जनता के बीच में जाकर सरकार के गलत नीति गलत कारनामों को जनता के बीच में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा पूरे राज्य को लूटा जा रहा है, जिस तरह से लुटाया जा रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।